हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो हमारा फाइनल अपार्टमेंट विजिट है जो श्रव्या हमें ले जा रही है। तो आज श्रव्या तैयार हो गई है, चूड़ी उड़ी पहन के, चूड़ी तो छोड़ नहीं रही थी। तो हम जा रहे हैं फाइनल अपार्टमेंट विजिट पे, तो चलिए आप हमारे साथ। दिख तो आज संडे है, संडे यहाँ पे सब आईटी फील्ड वाले लोग रहते हैं, तो मेरे ख्याल से सब आराम करें, इसलिए अभी कोई नहीं दिख रहा है। संडे सैटरडे छुट्टी रहता है, तो सब अभी लगता है अपने घर में आराम कर रहे हैं। तो हम जा रहे हैं मैं और श्रव्या घूमने। तो देखो सारे एक्सरसाइज जो है, ये जिम वगैरह जो है, ओपन जिम एरिया सब खाली ऐसे ही पड़ा हुआ है। ये है बच्चों का खेलने का, और ये जो एरिया दिख रहा है वो नीचे ग्राउंड एरिया जाने का है, मतलब पार्किंग एरिया। तो आप ऊपर से फर्स्ट फ्लोर से भी पार्किंग एरिया पे जा सकते हैं। और यहाँ पे जो है बच्चों के साइकिल स्टैंड है, साइकिल बच्चे यहाँ पे रखते हैं। और यहाँ पे जो है बहुत अच्छे अच्छे प्लांट्स लगाए गए हैं, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बम्बू प्लांट हैं, एकदम स्मॉल स्मॉल बम्बू प्लांट। ये बहुत सुंदर सा फ्लावर है, इसलिए मैंने इसे ले लिया, शूट कर लिया। और श्रव्या को भी बहुत मज़ा आ रहा है, उस बॉल खेल रही है, यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है। और ये जो पौधा है मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, नाम तो मुझे नहीं पता क्या नाम है, पर बहुत प्यारा दिख रहा था ये पौधा। आप भी देखो कितना सुंदर सा है, और हवा भी बहुत चल रही है। ये बहुत अच्छे पौधे हैं। श्रव्या तो यहाँ पे खेलने में बिजी है। या ये इस एरिया पे जो है छोटे छोटे फंक्शन किए जाते हैं, मतलब जो घरेलू महिलाएं जो है घर का कुछ पूजा पाठ करती हैं, वो यहीं पे आकर के सब करते हैं अपने अपने लोकल एरिया का। और श्रव्या तो यहाँ से जाने के लिए नहीं कर रही थी, मैंने उसको ज़बरदस्ती पकड़ के उठा करके लेके आई, क्योंकि भी बहुत जगह विजिट करना था। और यहाँ पे हर 10-15 कदम पे जो है ड्रिंकिंग वाटर लगा हुआ है, ताकि आप अगर टहलते टहलते थक जाते हैं तो आपको प्यास लगती है तो आप पानी ड्रिंक कर सकते हैं, और ये बहुत ही अच्छा रहता है। ये जो आप देख रहे हैं ये बहुत बड़ा चेयर्स है, यहाँ पे चेयर्स प्ले करते हैं। और इसकी गोटी तो बहुत बड़ी, श्रव्या से भी बड़ी बड़ी गोटियाँ यहाँ पे हैं। तो इस गोटी को अभी अंदर रखा गया, क्योंकि बारिश के टाइम जो है ख़राब हो जाती है। तो हम जैसे ही जा रहे थे ऊपर, हमें एरोप्लेन दिख लिया, हम शूट कर लिए। और जाते जाते श्रव्या को हमेशा की तरह भूख लग गई। यहाँ पे देखिए ये बहुत बड़ा सा लूडो प्ले करने के लिए बना हुआ है। यहाँ पे गोटी, यहाँ पे जो लगा रहता है कलरफुल जो गोटियाँ रहती हैं, वो हम इंसानों के रूप में हम खड़े रहते हैं। और इसका जो डाइस है वो बहुत ही बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा। अभी बरसात की वजह से सब एक रूम में बंद है, अभी नहीं निकालेंगे, ख़राब हो जाएगा, पर इसे हम खेलते थे। तो देखिए यहाँ बच्चों को खेलने के लिए बहुत ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स हैं। श्रव्या तो खूब इंजॉय कर रही है। तो हम और आगे चलते हैं, आगे आपको और भी बहुत सारे खेलने के सामान दिखाई देंगे। और यहाँ पे का एरिया देखिए घूमने के लिए बहुत ही अच्छा है। पीछे जो दिख रहा है वो छोटे छोटे बच्चों के खेलने के लिए है। यहाँ पर एक और ये खेलने के लिए बना हुआ है, बेबी लिए बच्चे लोग यहाँ पे आते हैं और अच्छे से खेलते हैं। और जो भी यहाँ पे मैट लगा है वो बहुत अच्छा मैट है, मतलब अगर गिरेंगे भी तो तुम्हें चोट नहीं लगेगा। यहाँ पेट पार्किंग भी है, जिनको पेट पालना पसंद है वो इजीली यहाँ पे आकर के पेट पाल सकते हैं। उनके पार्किंग के लिए भी यहाँ पे है सुविधा, सब सुविधा उपलब्ध है। और ये स्टोन बहुत ही अच्छे हैं, छोटे छोटे प्यारे प्यारे स्टोन, और ये प्यारे प्यारे जो है हमारे खास प्रकृति को यहाँ बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पे थोड़ी थोड़ी देर पे जो है सिक्योरिटी भी है, ताकि आपको कुछ भी प्रॉब्लम होता है या आप कहीं फंस जाते हो तो आप सिक्योरिटी से हेल्प ले सकते हो। प्लस अगर पानी गिरता है या फिर बहुत धूप लगती है तो आप यहाँ पे आकर के आराम से बैठ सकते हो, आराम कर सकते हो, क्योंकि एरिया बहुत बड़ा है, तो मतलब टहलते टहलते जो है इंसान थक जाता है। तो ये है बहुत ही बड़ा सा सांप सीढ़ी खेलने का। तो आप देख रहे हैं जैसे हम मोबाइल पे सांप सीढ़ी खेलते हैं या फिर बुक्स वगैरह सांप सीढ़ी के आते हैं, सेम ये उसी टाइप का है। तो यहाँ पे भी सब इसका जो डाइस है उसे भी अच्छे से रख दिया गया है, क्योंकि बरसात में मौसम में ख़राब हो जाता है। तो ये बड़ा सा सांप सीढ़ी खेलने का बना हुआ है।
इसके में मतलब जहाँ पे सांप काटा हम डायरेक्ट 63 में पहुँच जाएंगे। तो बहुत ही अच्छा बना हुआ है, बहुत बड़ा सा। हम आगे और जाते जाएंगे तो और भी बच्चों के खेलने के सामान है। तो यहाँ पे जो है एक बड़ा सा स्लिट बना हुआ है, यहाँ पे अपार्टमेंट के बच्चे आते हैं और यहाँ पे अपना कारनामा दिखाते रहते हैं। तो किसी बच्चे ने अपना पेंसिल से देखो चौक से बनाया है अपनी मम्मी और अपना अच्छा ड्राइंग किया है, मॉम एंड श्रव्या है। तो हम और आगे जाएंगे तो देखेंगे बच्चों का खेलने का बहुत ही अच्छा सामान है, स्विंग्स वगैरह यहाँ पे हैं। तो आपको बच्चों को लेकर के बाहर निकलने की ज़रूरत ही नहीं है, सब कुछ अपार्टमेंट में अवेलेबल है। तो इसलिए आप यहाँ पे अपने बच्चों को झूला झूला सकते हैं, यहाँ पे स्लाइडिंग दिया है उस पर स्लाइड करा सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा है, आप देखते चाहिए आगे। हम जा रहे हैं प्ले ग्राउंड की ओर और यहाँ पे श्रव्या को प्यास लग जाती है। श्रव्या रानी यहाँ पानी पी रही है और यहाँ पर हमें एक काली सी बिल्ली दिखाई देती है, बहुत प्यारी सी बिल्ली है। अचानक से हमें यहाँ पे दिख गई, वैसे मुझे कई बार दिखी भी है यहाँ पे। और ये है यहाँ का प्ले ग्राउंड, यहाँ पे जो है क्रिकेट खेल सकते हो, आपको बॉल की प्रैक्टिस करनी है वहाँ नेट लगा है और बॉल की प्रैक्टिस भी आप कर सकते हो। बहुत ही बड़ा एरिया है यहाँ पे क्रिकेट खेलने का। और बच्चों का यहाँ पे क्लिम्बिंग वॉल है, तो आप बच्चे जो है अलग अलग तरीक़ों से यहाँ पे क्लिम करते हैं आराम से। देखिए जैसे ये बच्ची चढ़ रही है ऊपर, फिर एक टायर की है, फिर और उधर जो है नेट लगा हुआ है। तो बहुत ही अच्छा बना हुआ है। और हम आगे जाते जाएंगे तो हमें खेलने का बहुत सारा चीज़ दिखेगा। और यहाँ पे जॉगिंग करने रनिंग करने भी आते हैं, बहुत बड़ा एरिया है तो बहुत ही अच्छा है। अगर आप थक जाते हो तो आराम से यहाँ बैठ सकते हो और बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई भी यहाँ रहता है, आपको गंदा नहीं दिखेगा। तो इसलिए आप जो है यहाँ पे प्राकृतिक का भी मज़ा ले सकते हो, बच्चों को आराम से सिखा सकते हो, मतलब कि कहीं बाहर जाने का बच्चों को लाने ले जाने का कोई झंझट नहीं, सब अपार्टमेंट के अंदर अवेलेबल है। यहाँ पे जो है बैडमिंटन खेला जाता है, तो हम कभी कभी आते हैं यहाँ पे बैडमिंटन खेलने के लिए। तो बहुत ही बड़ा एरिया है, कंपटीशन भी यहाँ पे होता है बड़े लोगों का और छोटे बच्चों का भी यहाँ पे कंपटीशन रहता है। तो कभी यहाँ पे अगर ऐसा गेम्स कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया जाएगा तो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो बहुत ही अच्छा एरिया बना हुआ है, श्रव्या को बहुत ही मज़ा आ रहा है, देखो कैसे दौड़ रही है। और ये जो है आपका बास्केटबॉल खेलने का एरिया है, बहुत ही बड़ा है। तो यहाँ मैं ट्राई कर रही हूँ, वन बॉल मैंने डाला नहीं किया, सेकंड बॉल मैंने किया ये भी नहीं किया, और फिर मैं ये और ट्राई करूँगी, देखते हैं ये जाता है कि नहीं जाता है, गोल होता है कि नहीं। ये मेरा लास्ट बॉल चला गया ये है। तो इससे हमें एक सीख भी मिलती है कि हमें कोशिश करते रहना चाहिए, हार नहीं मानना चाहिए। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम।
तो हम पहुंच गए हैं ये टेनिस एरिया पे। यहाँ पे टेनिस कंपटीशन किया जाता है, बड़े लोगों का, छोटे लोगों का। तो यहाँ पे इतने सारे लोग रहते हैं कि यहाँ पे दो कोर्ट बना हुआ है, तो यहाँ पे जो है टेनिस खेला जाता है। बहुत ही बड़ा एरिया है ये। तो श्रव्य को बहुत ही मज़ा आ रहा है और हम भी यहाँ पे आते हैं खेलने के लिए। यहाँ पे दो बना हुआ है क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं खेलने के लिए, तो सबके लिए अवेलेबल होना चाहिए। तो यहाँ पे ये है हेलो। और आगे हम जाएंगे तो यहाँ बच्चों का एक और स्विंग्स है, झूला है। श्रव्या रानी ऊपर चढ़ रही है, बोली मैं खुद जाऊंगी, पर थोड़ा डरने लगती है, छोटी बच्ची है अभी। तो बस देखिए, हेलो गाइस, तो कैसा लगा आपको हमारा अपार्टमेंट विजिट? ये हमारा फाइनली अपार्टमेंट टूर था। तो मैंने बताया यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटी अवेलेबल है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो आप कमेंट में बताइएगा कैसा है हमारा ये अपार्टमेंट। और आज मैं अपना ब्लॉग जो है यहीं पे एंड करना चाहती हूँ। तो आप लोग हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें हमेशा, और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।